आइए हम आज बनाते हैं कोकोनट मिल्क। एक कोकोनट से हमने इतना सारा दूध बनाया, वो भी एक मिनट में। ये वीडियो बहुत काम की है, इससे आप डिफरेंट तरह की चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारे स्वीट्स बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, मॉकटेल और पंचेस बना सकते हैं। साथ ही साथ ये फ्रेश कोकोनट मिल्क आप पी भी सकते हैं और बच्चों को दे, बहुत हेल्दी है, इसमें हजारों गुण हैं। तो आइए देखते हैं ये कोकोनट मिल्क एक मिनट के अंदर हमने एक कोकोनट से इतना सारा कैसे बनाया। इसके लिए हमें ताज़ा नारियल चाहिए होता है और इससे हम ये नारियल की गरी निकाल लेंगे और इस तरीके से पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लेंगे। जितना पतला और महीन होगा, मिक्सी में चलना उतना ही इजी होगा और मिनटों में हमारा नारियल का दूध बनके रेडी हो जाएगा। नारियल का दूध बनाना बहुत आसान है और बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है, तो इसको हम क्या करेंगे, साइड से इस तरीके से करके इसका सारा ये नारियल निकाल लेंगे। मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर आपको नारियल आसानी से निकालना हो तो इस तरीके का जो अदरक या हम लोगों के पास ओखल होती है ना, तो हम इस साइड से बैक साइड पे अगर उसको मारेंगे इस तरीके से, बस इसको इस तरीके से घुमाते रहें, विद इन अ मिनट ये देखिए निकल गया और बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब बस हमको इसको इस तरीके से पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लेना है और इस तरीके से ये देखिए ये कट के रेडी हो गया है सारा नारियल, ये फ्रेश नारियल है। अब हमें करना क्या है, इस तरीके से एक मिक्सर ग्राइंडर लेना है और एक कप गर्म पानी लेना है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर ये सारा ये नारियल डालेंगे, फ्रेश नारियल ग्राइंडर के अंदर, और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हम अभी आधा कप पानी डाल रहे हैं, गर्म पानी है ये, और ये अच्छे से पिस चुका है और इसको हम किसी मस्कुलिन क्लॉथ में इस तरीके से निकाल लेंगे और दबा दबा के इसका सारा दूध निकाल लेंगे। पहली बार जो हम दूध निचोड़ के निकालते हैं वो काफ़ी गाढ़ा होता है और आपको ये दिखाती जा रही हूँ कि ये कितना सारा निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका ये जो रह गया है हम इसको अगेन इसके अंदर डालेंगे और गुनगुना पानी इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर थोड़ा, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अगेन हम महीन पीस लेंगे। अगेन इसको डालेंगे हम इसके अंदर और ये देखिए अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये पतला है, आप ये देख रहे होंगे। बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, फिर से ये हम प्रोसेस रिपीट करेंगे। बस ये लास्ट है, इसके बाद इसमें से दूध नहीं निकलेगा और अगर निकलेगा तो उसका जो कंसिस्टेंसी है बहुत थिन है, जो कि हमारे काम नहीं आएगा। और ये हो गया, अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ स्पून से लेकर के। तीन तरह के कोकोनट मिल्क बन के रेडी हैं, ये थोड़ा गाढ़ा है, दूसरा वाला उससे थिन है और तीसरा वाला काफ़ी पतला है। मैं आपको ये ज़रूर एडवाइस करूँगी आप तीनों अलग अलग रखें और अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज़ करें। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, जिस ग्लास से मैंने मेज़र किया था पानी, मेरा एक कप 2/3 कप के बराबर है, तो आप 2/3 कप ही नाप लें, उससे ही ये कोकोनट मिल्क बहुत अच्छा बनेगा। बाकी इससे आप सूप, मिठाइयाँ और तरह तरह के पंचेज और शेक्स बना सकते हैं और अपना फीडबैक दें। और ये जो बचा हुआ, इसका गूदा बचा हुआ है, इसको भी फेंके नहीं, इसमें भी मिल्क पाउडर और थोड़ा सा शुगर खोया डाल करके इसकी भी मिठाई बन जाएगी। तो बहुत ही काम का ये वीडियो, फटाफट लाइक ज़रूर करें, अपना फीडबैक भी दें कि ये कोकोनट मिल्क की रेसिपी आपको कैसे लगी।